नमस्ते। आज मैं अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज, मेरी सोच वो आपको एक्सप्रेस करनी है। आपने भी रिसेंटली मूवी देखी होगी, दंगल, मैरी कॉम या ऐसी बहुत सारी मूवीज जो लड़कियों पे थी कि लड़की अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और उन्होंने ये चीज प्रूव भी की है, ये हम साफ देख सकते हैं न्यूज में। आज भारत को आजाद हुए कुछ 70 साल हो गए, मगर अब तक इस देश की लड़कियां, महिलाएं और औरतें सुरक्षित नहीं है और वो लोग आजाद नहीं है। क्यों आज भी लड़कों और लड़की में फर्क किया जाता है, स्पेशली हमारे गांव में और यहां भी? अगर लड़का कहे उसे डॉक्टर बनना है, उसे एक्टर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो लोग बोलते ठीक है, वाह बहुत अच्छी सोच है तेरी, तो कर हम तेरे साथ। अगर यही चीज कोई लड़की बोले तो क्या होता है, नाम खराब होगा, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर लड़का करे तो नाम ऊंचा होता है, वही चीज अगर लड़की करे तो नाम खराब होता है। क्यों? अगर लड़की अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली, अपने सपने छोड़ के किसी और नए घर में जाती है, तो क्या हम उन्हें खुश नहीं रह सकते? यार एक औरत 9 महीने तक तकलीफ झेलती है सिर्फ हमारे लिए, हमें इस दुनिया में लाने के लिए, तो क्या हम उन्हें खुश नहीं रह सकते या हम उन्हें वो नहीं करने देते जो वो चाहती है? कब तक हमारी सोच ऐसी होगी? आखिर कब तक हम इन लड़कियों को रोते रहेंगे? अगर कोई फैमिली अपनी बेटी को किसी चीज के लिए अगर परमिशन दे दे कि हाँ आप ये कर सकती हो, आप डॉक्टर बन सकती हो, आप सीए बन सकती हो, तो लोग है ना इनमें बहुत खुजली है, इनमें मतलब ये रह नहीं सकते, ये क्या बोलते हैं, इसकी बेटी में शर्म नहीं है, लाज शर्म इसने पूरी उड़ा दी है, बिगड़ी हुई है, माँ बाप कुछ बोलते नहीं है, तो ये सब करने लगी है। एक बात आपसे बोलनी है, जो लोग ये सब बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, लड़कियां जो भी कर रही है आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या आप उन्हें खिलाते हो, आप उन्हें पालते हो, तो क्यों आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? खुद की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, अपना खुद का घर देखो, तुम्हारा खुद का घर झांक कर देखो, दूसरों की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करना है आपको? आप जैसे लोगों की वजह से लड़कियां कुछ कर नहीं पाती, उनकी फैमिली सपोर्ट भी करे ना, तो आप लोगों की बातें सुन के उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट करना छोड़ देती है। लोगों के मन में ये डर है कि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या सोचेंगे कि हमारी बेटी ऐसी है। यार वो कुछ नया करने जा रही है, उन्हें करने दो, इज्जत करो उनकी, उन्हें ये बताओ कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है अगर वो चाहे तो, वो यहां पे सेफ है, उन्हें ये बताओ, सपोर्ट करो उन्हें, अगर वो खुश रहेंगे ना तो आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। एक और बात मुझे बोलनी है, एक इंसान, एक लड़का, एक आदमी, एक मर्द कितनी भी कोशिश कर ले वो कितना बड़ा बब्बर शेर क्यों ना बन जाए, उसकी सवारी हमेशा दुर्गा करती है, तो हम सारे बब्बर शेर हैं और लड़कियां दुर्गा माता है, इज्जत करो उनकी। सेव गर्ल्स एंड रिस्पेक्ट गर्ल्स।